हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेक एक्सपर्ट सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन प्लस 11 के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद वन प्लस ने अपना फ़ोन लॉन्च किया, जो कि लोगों को, जो वन प्लस के यूज़र हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ोन, और वो जल्द से जल्दी इस फ़ोन को लॉन्च किया। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, तो जो इसकी डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले साइज 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले इसका यूज़ होने वाला है, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। कर्व वाले मूव के साइड है डिस्प्ले, जो कि 10 प्रो में भी देखा गया है। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले दे रखी है, और उसे यूज़ करने पे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। प्रोसेसर की बात करूँ मैं इसमें, तो जो मेन प्रोसेसर होता है वो है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन का सेकंड, जो कि 10 प्रो में फर्स्ट इन्होंने इसमें प्रोसेसर रखा था, और इसमें सेकंड प्रोसेसर इसमें दे रखा है, जो कि काफ़ी, आप चाहे गेमिंग करो या फिर कोई मल्टीपल टास्किंग भी करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मल्टीपल टास्किंग भी देती है, और आपका काम बहुत तेज़ी से काम करेगा। गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका। अगर स्टोरेज की बात करूँ मैं, तो स्टोरेज में 12 GB 256 दो वेरिएंट आते हैं, 12 GB 256 और 16 GB 512 दो वेरिएंट के साथ आता है। काफ़ी अच्छा स्टोरेज भी इसमें दे रखा है, और आपको मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत, स्लॉट नहीं दे रखा है इसमें। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें, स्टोरेज आपकी काफ़ी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी स्टोरेज में, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। बात करूँ बैटरी बैकअप की, कमाल की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी बैकअप है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, इसमें 10 W का इन्होंने एडाप्टर दे रखा है, जो आपके फ़ोन को 25 मिनट में चार्ज कर देगा। कंप्लीट चार्ज 25 मिनट में, मतलब आधा घंटे से पहले ये फ़ोन को कंप्लीट चार्ज कर लेगा। और ये काफ़ी अच्छा यूज़र को एक अच्छा अलग ही चीज़ देता है, जो कि उनके फ़ोन को जल्दी से जल्दी चार्ज कर दे, क्योंकि लोग अपना फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो चार्ज जल्दी ख़त्म होता है, तो वो जल्द से जल्द फ़ोन चार्ज कर लेगा। अगर बात करूँ मैं इसकी कलर की, तो इसमें ब्लैक कलर और ब्लू कलर में ये आने वाला है, और काफ़ी अच्छा है ब्लैक। आई थिंक अगर आप ब्लैक अच्छा लोगे, अगर जो ब्लू लेते हैं तो ब्लू, जिन्हें शौक है ब्लू का, अदरवाइज ब्लैक कलर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। कैमरे की बात करूँ, बैक साइड कैमरा 50 MP और 48 MP और 32 MP के इसके कैमरे बैक पे दे रखे हैं। गोल कटिंग के साथ इस बार कैमरा दे रखा है, जो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है दिखने के लिए। फ्रंट कैमरे की बात करूँ, तो 16 MP की कैमरा है। फ़ोटो आपकी काफ़ी अच्छी आने वाली है, चाहे आप सन में लो या कैसे भी फ़ोटो लेते हो, तो काफ़ी अमेजिंग फ़ोटो इसमें रहने वाली है। वैसे वन प्लस में इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और एंड्रॉयड 13 पे इन्होंने इसे लॉन्च किया है, और काफ़ी सॉफ्टवेयर भी इनके बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन लॉन्च किया है। आई होप यू कि आपको समझ में आ गया कि वन प्लस आज कितना अच्छा फ़ोन लॉन्च किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।